हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मुम्मा टियारा में। मैं हूँ कुरुबी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी साड़ी के साथ आप कैसे ब्लाउज़ को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। साड़ी के साथ जब ब्लाउज़ को मिक्स एंड मैच करने की बात आती है तो हम सभी लेडीज़ को इस बारे में थोड़ी बहुत तो पता ज़रूर होती है। हाँ, कुछ लेडीज़ को बहुत अच्छे से ये सभी चीज़ें पता होती है, कुछ को थोड़ी कम, बट पता तो होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी जब भी आप साड़ी के साथ ब्लाउज़ को मिक्स एंड मैच करने जाओगे। तो चलिए और बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेट्स बिगन। तो सबसे पहले जो टिप है, सबसे पहले बात करेंगे जो सॉलिड कलर की जो साड़ियाँ होती है ना हमारे पास, उनकी देखिए सॉलिड कलर की जो साड़ियाँ होती हैं उनके साथ ब्लाउज़ को मिक्स एंड मैच करना उतना कुछ टफ़ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। आप कोई भी कलर की कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ब्लाउज़ पहन लो, उसके साथ अच्छा ही दिखता है। सेटिन फैब्रिक में आपने देखी होगी, ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है सॉलिड कलर में साड़ी, मतलब एक ही कलर में साड़ी। तो उसके साथ आप कोई भी प्रिंट पहन लो, जो प्रिंट आपको अच्छा लगता है, चाहे वो स्ट्राइप हो या फिर फ्लोरल हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर ज्योमेट्रिक हो, जो प्रिंट आप उठा के उसके साथ पहन लो अच्छा दिखेगा। क्योंकि साड़ी सॉलिड कलर में होती है, एक ही कलर में होती है, तो उसके साथ प्रिंट भी बहुत अच्छा दिखता है। एंड अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर में पहन लो, बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, तो अगर आप चाहते हो कि सेम ही कलर में आपको रखना है, क्योंकि जब आप सेम कलर में ब्लाउज एंड साड़ी रखते हो तो वो बड़ा ही एक क्लासी लुक देता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो उसमें आपको जो सेम एग्जैक्ट सेम कलर का आपको ब्लाउज उसके साथ पहनना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अगर उसमें ना, अगर जैसे मान लीजिए आपके आपकी जो साड़ी है वो ब्राइट रेड कलर में है, जो चिली रेड होता है उस तरह का कलर में है, एंड जो ब्लाउज़ है आपका उस वो थोड़ा सा मैट फिनिश में है, तो अगर सेम शेड नहीं होगा दोनों का तो वो बड़ा ही खराब दिखता है। तो ये चीज़ आपको जस्ट ध्यान में रखनी है, सेम कलर अगर आप पहनना चाहते हो ना तो सेम एग्जैक्ट सेम कलर होना चाहिए, वरना साड़ी का लुक उतना अच्छा नहीं आता है। नेक्स्ट टिप है, कुछ साड़ीज ऐसी होती है जिसमें जरी वर्क होती है, और बहुत सारी साड़ीज हमारे पास ऐसी होती है जिसमें गोल्डन जरी वर्क या फिर सिल्वर जरी वर्क होती है। स्पेशली गोल्डन जरी वर्क ज़्यादा पाई जाती है साड़ियों में। तो अगर उस तरह की कोई साड़ी है आपके पास तो ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती है, उस साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज ही पहन लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि जरी वर्क गोल्डन में है तो गोल्डन ही अच्छा दिखेगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत टाइम ये बहुत ख़राब दिखता है। तो मेरे पास ये एक साड़ी है, ठीक है, ये एक हॉट पिंक कलर में है साड़ी, एंड इसमें आप देखो ये गोल्डन बॉर्डर है। तो मेरे पास जो गोल्डन ब्लाउज़ है ये इस बॉर्डर के साथ बिल्कुल नहीं मैच करता है, तो मैं कभी भी गोल्डन ब्लाउज़ के साथ इस साड़ी को नहीं पहनती हूँ। और वैसे भी साड़ी जो है ये एक डिज़ाइनर साड़ी है, जब भी मैं इसके साथ गोल्डन ब्लाउज पहनती हूँ ना तो साड़ी का लुक काफ़ी जो ग्रेस है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं हमेशा इसके साथ ना कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ब्लाउज़ पहनने की कोशिश करती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी इसके साथ जो ब्लाउज़ है ये इसी हॉट पिंक कलर में है, तो इसके साथ तो ये अच्छा दिखता ही है। इसके साथ मैं जो ब्लाउज़ पहनना पसंद करती हूँ वो है इस तरह का, ये ग्रीन कलर में ब्लाउज़। आप देखो इसमें इस तरह का थोड़ा गोल्डन जरी वर्क भी है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है दोनों एक साथ में। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए जब भी इस तरह की कोई साड़ी है हमारे पास, तो उसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग कलर में कौन सा ब्लाउज़ अच्छा दिखेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ही आपको उसके साथ गोल्डन ब्लाउज़ पहननी है। इस तरह कुछ टाइम पहले ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हुआ करती थी, उसके साथ आप गोल्डन ब्लाउज़ पीस भी मिलता था, बट अभी की बात करूँ तो वो उतनी ज़्यादा ये अच्छी नहीं दिखती है। टिप है ये ना, काफ़ी मज़ेदार है। सिल्क की जो साड़ी होती है उसके साथ कभी भी कॉटन ब्लाउज़ अच्छा नहीं दिखता है, कभी भी नहीं। कोई भी कॉटन, अगर क्रॉप टॉप के साथ भी आप पहन रहे हो, कॉटन कोई भी ब्लाउज़ हो गया, उसके साथ कभी भी सिल्क साड़ी अच्छी नहीं दिखती है। बट जो सिल्क की जो ब्लाउज़ होती है ना वो कॉटन साड़ी के साथ ज़्यादातर टाइम अच्छी दिखती है। अगर आप कोई कॉटन साड़ी पहन रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ी जो अच्छी वाली कॉटन साड़ी होती है जो घर पे हम पहनते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो प्रिंटेड जो एकदम सिंपल कॉटन साड़ी हो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो थोड़े से एक कॉटन की साड़ी है, आप देखो थोड़ी ये इस तरह की थोड़ी बॉर्डर में है, थोड़ी अच्छी वाली साड़ी है, ठीक है, इसको मैं बाहर पहन के भी जा सकती हूँ ईजिली। तो इस तरह की जो कॉटन साड़ी होती है ना, ये प्योर कॉटन की साड़ी है, आप देखो। तो इस तरह की जो कॉटन साड़ी होती है उसके साथ हम सिल्क की ब्लाउज़ पहन सकती हूँ। मेरे पास ये एक सिल्क की ब्लाउज़ है, आप देख रहे हो ये एक सिल्क की ब्लाउज़ है, ये कॉटन साड़ी के साथ चल जाता है क्या, बहुत अच्छा दिखता है। इसके साथ मैं इसको बहुत टाइम पहनती हूँ, और इसका स्लीव आप देखो इस तरह की नेट में है, फिर भी ना ये कॉटन साड़ी के साथ अच्छा दिखता है। अभी ये एक सिल्क की साड़ी है, ठीक है, इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो कॉटन ब्लाउज़ मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। तो सिल्क साड़ी के साथ कॉटन ब्लाउज़ बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर में पहनो या फिर कुछ भी,
सिल्क साड़ी के साथ कभी भी कॉटन ब्लाउज हमें नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है, प्रिंटेड जो साड़ीज होती है ना, कोई फ्लोरल प्रिंट या फिर ज्योमेट्रिक प्रिंट या फिर कोई भी प्रिंटेड जो साड़ियाँ होती है उनके साथ आप कौन से ब्लाउज पहन सकती है। अभी देखिए, जब भी हम प्रिंटेड कोई साड़ी की बात करते हैं तो उसके साथ हम अगर सॉलिड ब्लाउज को पेयर अप करते हैं ना तो वो ज़्यादा सेफ होता है, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है और हमें ज़्यादा दिमाग लगानी नहीं पड़ती है। सॉलिड कोई भी ब्लाउज के साथ आप प्रिंटेड कोई साड़ी पहनो तो वो अच्छा दिखता है। उसके अलावा अगर आप प्रिंट के साथ प्रिंट को पहनना चाहते हो तो जो अगर साड़ी आपकी फ्लोरल प्रिंट में है ना, तो ब्लाउज़ आपको या पे स्ट्राइप प्रिंट में रखनी है या फिर पोल्का डॉट में रखनी है, ठीक है। अगर साड़ी आपकी कोई स्ट्राइप में है, स्ट्राइप डिज़ाइन में है, तो जो ब्लाउज़ है वो आप फ्लोरल में रख सकते हैं, पोल्का डॉट्स में रख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों जो प्रिंट है ना वो आपको बिल्कुल डिफरेंट रखने हैं। अगर वो होता है तो जो साड़ी का जो साड़ी ब्लाउज़ का जो लुक है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है। अगर ये सभी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रिंट के साथ जब आप प्रिंट को मैच करोगे तो आपको ध्यान में रखनी है। टिप है वो है मल्टी कलर की साड़ियों को लेके। जैसे मल्टी कलर की अगर आपके पास कोई साड़ी है जिसमें बहुत सारे कलर है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, बहुत सारे कलर है, तो उस तरह की कोई साड़ी में आप कौन सा ब्लाउज़ उसके साथ पहनोगे। वैसे तो मल्टी कलर की अगर कोई साड़ी है तो उसके साथ आप कोई भी कलर, जो भी कलर है ना, उसमें से कोई भी कलर पिक कर लो ब्लाउज़ के लिए, वो अच्छा ही दिखता है। बट अगर बहुत अच्छे से मैच करने की जब बात आती है तो जो कलर साड़ी में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है वही कलर आपको यहाँ पे पिक करनी है, तो वो साड़ी के साथ बहुत अच्छा दिखेगा। एंड अगर आपको कुछ कोई कलर होता है ना जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है बट वो हमें नहीं बनवानी है, तो जो भी साड़ी का जो बेस कलर है, जो मेन कलर है, उसी कलर में आपको यहाँ पे ब्लाउज़ सिलवानी है, तो आप देखोगे वो बहुत अच्छा दिखता है। और अगर मल्टी कलर में जो हाईलाइट कर रहा है वो कलर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उस कलर के साथ जब आप ब्लाउज़ को बनवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट टिप है, कुछ साड़ियाँ ना बहुत ही खतरनाक होती है, उनके साथ ना वो कोई भी कलर को मैच नहीं करने देती है। एंड कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर बोल लो या फिर कोई भी कलर बोल लो, उसके साथ आप उस साड़ी को मैच ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास इस तरह की एक साड़ी है, ये मेरी साड़ी, इसको आप पर्पल भी बोल सकते हैं, डार्क पर्पल बोल सकते हैं या फिर वायलेट कलर बोल सकते हैं। तो इस तरह की जो साड़ी होती है ना, ये दो कलर में है, आप देखो इसके साथ ये गोल्डन है एंड साड़ी बहुत अच्छी है, ये कांजीवरम साड़ी है। तो साड़ी तो मेरी बहुत अच्छी है बट अगर मैं इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ब्लाउज़ पहनना चाहूँ ना तो वो बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं करता है। इसके साथ जब भी मैं ब्लाउज़ को पहनती हूँ ना तो बिल्कुल भी इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, उसके साथ सेम जो इसी कलर में जो सेम इसी तरह का ब्लाउज़ है उसी को मैं पहनती हूँ, इसके साथ बिल्कुल भी कोई भी कलर इसके साथ नहीं जाता है। और कोई अगर आपके पास भी कोई इस तरह की वायलेट कलर में साड़ी है और डार्क पर्पल में कोई साड़ी है तो आप उसके साथ ये चीज़ करके देख लेना। अगर साड़ी में दो कलर है ना या फिर साड़ी में तीन कलर है तो बस उसी तीन कलर में आप ब्लाउज़ उसके साथ पहन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर में कोई और कलर उसके साथ आप ऐड कर लो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। जैसे मेरी ये एक साड़ी है, देखो ये कॉटन की साड़ी है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में है एंड ये दो कलर में है, इस तरह की ग्रीन दो नहीं है एक्चुअली थ्री कलर में है, इस तरह यहाँ पे गोल्डन भी है इसमें। तो ये तीन कलर के सिवा अगर मैं चाहूँ कोई भी इसके साथ, क्योंकि ये ग्रीन कलर में है तो इसके साथ और बहुत सारे कलर कॉन्ट्रास्टिंग कलर जा सकता है, बट कभी भी नहीं मैं पहन सकती इसके साथ। इसके साथ जस्ट ये वायलेट कलर में पहन सकती हूँ, पर्पल जो ये डार्क पर्पल है ये पहन सकती हूँ, या फिर गोल्डन या फिर ये ग्रीन कलर, उसके अलावा कोई भी कलर इस साड़ी के साथ अच्छा नहीं दिखता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी दिन किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Bye-bye.